वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पेनियर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि पेनियर अकाउंट आप कैसे बहुत इजीली, बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। और आज जैसा कि जानते हैं, अगर आप वीगो यूज़र एंड क्यूब यूज़र हैं, तो उस पर अगर आप टारगेट करते हैं या फिर आपके पास अगर बीन्स ऑलरेडी कलेक्ट हो सकते हैं, 4-7 हज़ार से ऊपर अगर आपके पास बीन्स हैं, तो आप उसको अपने पेनियर अकाउंट पे कन्वर्ट करके, जो आप पेनियर अकाउंट के थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो पेनियर अकाउंट में जब भेजेंगे तो वो पहले यूएसडी मनी में आएगा, फिर उसके बाद वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इससे पेनियर अकाउंट से यही फायदा है कि अगर आपके पास बीन्स होता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में बहुत ईजिली। तो फ्रेंड, हम आपको फिर बताते हैं इस वीडियो में पेनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और पेनियर अकाउंट बनाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़रूरी है आपका पैन कार्ड आपके पास अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके पेनियर अकाउंट आपका सक्सेस नहीं होगा। सो नेक्स्ट, आपके पास होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, वो भी किसी भी बैंक में हो आपका, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड और आधार कार्ड तो होगा ही सबके पास, आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट। एंड एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको ओपन करने के लिए आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे क्रोम में, डायरेक्ट क्रोम से ओपन करिएगा। तो जब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप, तो आप इसको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने देखिएगा ये पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ओपन किया इसको, ये देख आप देख रहे हैं, ये पेनियर अकाउंट साइन अप करने के लिए ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। तो ये जैसा ही आपके पास ये पेज आ जाता है, तो आपको इस पे इंडिविजुअल जो हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, आपको इसी इंडिविजुअल पे ही करना है क्लिक। आपको कंपनी पे क्लिक नहीं करना, इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारे ये जितने भी ब्लैंक है आपको सारे फिल करने हैं। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करना है, आपको सारे फिल करना है। देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। तो जैसे देख रहे हैं कि ये मैंने भरा हुआ है, ऐसे ही उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये वाला आएगा, आपको 4 स्टेप करने हैं। तो जब आपके पास ये वाला आएगा, यहाँ पर आपको मांग रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा आप किस कंपनी कहाँ से हो, किस इंडिया से या फिर कहीं और से, फिलीपींस। सो आपको यहाँ पर करना है इंडिया सेलेक्ट करना है, फिलहाल मैं इंडिया के लिए। तो अब यहाँ पर एड्रेस लाइन में आपको डालना है आपका एड्रेस। सेकेंड लाइन में अगर आपके पास एड्रेस है, दूसरा कोई ऑप्शनल वो भी डाल सकते हैं। सिटी में आपको सिटी अपना, और यहाँ पर आपका पिन कोड जो भी हो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। नीचे मोबाइल लैंडलाइन, आपका मोबाइल या लैंडलाइन जो भी हो। फिलहाल इंडिविजुअल पे आपने क्लिक किया है तो आप मोबाइल पे क्लिक करके करिएगा। उसके बाद जब इसको भर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये देखिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिटेल्स। सिक्योरिटी डिटेल्स में आपका पूछेगा, सबसे पहला देखिए आपको पूछना है यूज़र नेम। आप यूज़र नेम किस चीज़, मतलब आप क्या डाल सकते हैं यूज़र नेम, तो आपका आपकी वही ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी आई थिंक। तो आप वही करिएगा, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर आपको भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपका मांगेगा पासवर्ड, आप अपना कोई अच्छा सा पासवर्ड चूज़ करिएगा, उसको डालिएगा। उसके बाद नीचे आपका मांगेगा रीएंटर पासवर्ड, आपने जो ऊपर पासवर्ड डाला हुआ है अच्छा सा, उसी को नीचे आपको डालना है। उसके बाद आपका नीचे मांग रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जब आप किनारे क्लिक करेंगे, एरो जहाँ बना हुआ है उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 3-4 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से कोई भी एक चूज़ करके फिर नीचे आपको डालना होगा। जैसे व्हाट योर फेवरेट सॉन्ग, योर फेवरेट टीचर, योर फर्स्ट स्कूल, ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डालने के बाद नीचे आपको सिक्योरिटी आंसर में आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नीचे है इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इंडिया से हो। और यहाँ पर आपका मांग रहा है पैन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी मांगेगा लेकिन आपको डालना है पैन कार्ड, क्योंकि बिना पैन कार्ड के सक्सेसफुली नहीं होगा, ओके। तो आपको फ्रेंड पैन कार्ड डाल देंगे, फिर जब आप पैन कार्ड डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज में है आपका सिक्योरिटी डिटेल्स अगेन, ये तो वही पिछला वाला पेज है, तो ये आएगा। अब उसके बाद आपका आएगा ये ऑलमोस्ट डन,
ये चौथा पेज आपको, चौथा आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको दे सकते हैं, यहाँ पर आपका सारा बैंक डिटेल मांगेगा आपका। सबसे पहले आपका यहाँ मांगेगा बैंक आपका कैसा है, बैंक टाइप। तो यहाँ पर आप डालिएगा पर्सनल। पर्सनल डालने के बाद यहाँ बैंक कंट्री इंडिया, करेंसी INR, ठीक है। उसके बाद आपको, उसके बाद नीचे आपका लिखा हुआ बैंक नेम, आप यहाँ आपके डालना है अपना बैंक नेम। उसके नीचे डालना है अकाउंट नेम, उसके बाद डालना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन कार्ड, अकाउंट टाइप करंट या सेविंग जो भी है। उसके बाद जब आप उसको करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको सामने ये देख रहे हैं ना, नीचे नीचे आएगा ये आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोजर एंड पॉलिसी प्राइवेसी, और उसके नीचे लिखा हुआ है आई एग्री। ओके, दोनों पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करना है सबमिट। जब सबमिट कर दोगे तो आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा सक्सेसफुल्ली, और उसके 2-3 दिन बाद आपके ईमेल पर आएगा मैसेज पेनियर की तरफ से, थैंक यू फॉर, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। और उसमें आपका मांगेगा कि आपका स्कैन, बैंक का डिटेल स्कैन, या फिर आप अपने मोबाइल से इस फोटो खींच के उसको उसी पेनियर अकाउंट पे रिप्लाई करना है आपको। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये बहुत इजी है। बस आपको एक बार ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको सही से चेक करने के बाद ही सबमिट करिएगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आपका अकाउंट फिर बीच में रुक जाएगा। सो ये बहुत ही ईजीली था फ्रेंड्स, और उसको जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पेनिया की तरफ से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका पेनिया अकाउंट सक्सेस हो गया है, अब आप यू कैन नाउ ट्रांसफ़र टू USD मनी। ओके एंड थैंक यू।